पानी इकट्ठा है, प्लीज़ उनको निकाल दीजिए। और जैसे जो पहले गर्मियों में कूलर में डेढ़ दो बजे मर जाना, ठीक है? ठीक ठीक बीच के लिए मार सर मार दो तो डेंगू भर आया तो सरकार की इस ऊपर है और तो मार दिया अच्छा द्वारा ठीक है इस बार ही नहीं है फैलन देंगे हैं अलर्ट में इस बार ये देखिए जैसे कोरोना का कहर मचा हुआ था और वैसे ही मुझे लगता है कि डेंगू का कहर मचा हुआ है। तकरीबन कोई 3-4 केस मेरे वार्ड में आ चुके हैं डेंगू मलेरिया के, और आज ही सुबह मैंने CMO साहब को कॉल की कि ऐसे ऐसे बात है मेरे वार्डों में कम से कम तकरीबन कोई 90 के करीब लोग बीमार हैं बेचारे, जिन्होंने कुछ टेस्ट भी नहीं करवाया अभी, तो 3-4 केस जो पॉजिटिव है जो आ चुके हैं जिनको डेंगू हो चुका है। तो आज ही सुबह मैंने फ़ोन किया, आज ही डॉक्टर की टीम आ गई और एक एक करके पूरे वार्ड को स्प्रे कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए देखिए कि CMO साहब ने कितनी जल्दी एक्शन कर दिया एक काउंसलर के कहने पे। मैं CMO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ प्लीज़ घर में जो पानी है उसको ढक के रखें और डेंगू से बचाव रखने के लिए सफाई रखें, अपने घरों में गंदगी ना डालें। और कईयों लोगों ने जैसे पहले गर्मियों के दिनों में कूलरों में पानी इकट्ठा हुआ होता है वो बाहर नहीं फेंका हुआ, प्लीज़ उनको बाहर फेंक दीजिए और अपने घरों को स्वच्छ रखिए। देखिए पिछली बार तो हमने बहुत बार किया, वो म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से स्प्रे वगैरह वाकई वगैरह करवाई हमने। इस बार पता नहीं CEO साहब को क्या हो गया है, मैंने तकरीबन कोई आज 5-6 दिन हो गए हैं मैंने बताया उनको कि मेरे वार्ड में कम से कम 3-4 केस जो पॉजिटिव आ गए हैं डेंगू मलेरिया के और लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, आज तक वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज इसको देखते हुए फिर लास्ट में मैंने CMO साहब को कॉल की और स्प्रे हो गया। मुझे नहीं लगता कि CEO साहब को क्या है क्या नहीं। देखिए लोगों को बचाव रखने के लिए एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्प्रे करवाने के लिए, लेकिन काउंसलर क्या करे, काउंसलर ने तो CEO साहब को ही कहना है। CEO साहब तकरीबन आज 4-5 दिन हो गए, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। तो आपको तो पता ही है
क्या चल रहा है क्या नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग भी जानते हैं, बस इतना कहते हुए जाएंगे।